हेलो दोस्त, आप लोगों को मेरे चैनल पर मोस्ट वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मैं सोच रही थी ना आप सबसे बात कर लूँ, तो इसीलिए मैं आ गई वीडियो बनाने। तो कम तम तो हो गया, थोड़ा बहुत बाकी भी है। जा रही हूँ कपड़ा सब मारे हैं धोने के लिए, तो धोऊंगी। इसके बाद बहुत सारा काम तो रहता ही हमेशा, तो आज मैं मशीन साफ करने जा रही हूँ अपनी सिलाई मशीन। ये छोटा वाला है, हाथ वाला था, पैर वाला लगा लिया है, तो उसको थोड़ा ब्लाउज सब सीना है। दो आदमी दे गया है ना ब्लाउज सीने के लिए, तो सीऊँगी ना, तो इसीलिए मशीन साफ करूँगी। सब मशीन ऐसे ही पड़ा रहता है ना, तो धूल सब पड़ जाता है उस पर, उसको साफ सुथरा करके तब सिलाई करेंगे। तो धागा नहीं है, धागा जा रही है ना, उसी कलर का धागा लेंगे तब सिलाई करेंगे। दो ब्लाउज है सीने के लिए, तो मैं सोच रही थी आप सबसे बात करेंगी। तो आप मैं ब्लाउज का भी वीडियो दिखाऊंगी आप लोगों को, तो आप लोग थोड़ा मुझे सपोर्ट करिएगा, वीडियो देखिएगा, पूरा वॉच करिएगा और लाइक सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल का, और मुझे भी आगे बढ़ाइएगा। वीडियो बनाने का तो उतना मुझे शौक़ नहीं है, मगर प्रॉब्लम है ना, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ, नहीं तो शौक से नहीं बनाती हूँ वीडियो। मुझे अच्छा ही नहीं लगता वीडियो बनाना, मगर क्या करूँ, बहुत प्रॉब्लम है मुझे, बहुत प्रॉब्लम है। सिर्फ अपने लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम है, बच्चा सब तो अपना गुजारा कर ही लेगा, क्योंकि बच्चा से तो तेज है तो कर ही लेगा। मुझे उतना मालूम ही नहीं है हर जगह के सब कुछ शहर में, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा, और मैं मशीन साफ कर रही हूँ तो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। मेरा ना टाइपॉड टूट गया है, टाइपॉड तो बहुत टूटा हुआ है, कम दाम का लिया था, 200 का कि 300 का, बहुत पहले ही लिया था, जो टूट गया है तो उसमें थोड़ा मोबाइल आता ही नहीं, गिर जाता है। अगर फिर भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, तो उसी को साफ करूँगी, पहले तेल डालूँगी, उसके बाद उसमें सब कुछ करना है, साफ सुथरा करके तेल डाल के आधा घंटा उसको झाँप के रख दूँगी ना, तब मशीन चलेगा। हाँ, ये छोटा वाला मशीन धागा बहुत काटता है, बड़ा मशीन नहीं है मेरे पास, तो छोटा वाला ही मशीन है। आप लोग बताइएगा कौन सा मशीन अच्छा होता है। हम जब बम्बई जाएंगे ना, तो एक मशीन भी लेना है मुझे अच्छा वाला, तो आप लोग बताइएगा कौन सा मशीन अच्छा होगा, वो लेंगे। मैं सोचती हूँ ना रफ्फू करने वाला मशीन लेना, इको फॉल बिल्डिंग ये सब जो मशीन होता है वो ले लूँगी ना, तो दोनों काम होगा, सिलाई का भी कर लूँगी, फॉल बिल्डिंग का भी हो जाएगा उसमें, ये जो पिको होता है वो भी हो जाएगा उसमें। अगला सा जो सीती हूँ ना, तो उसके बॉर्डर में थोड़ा उसको मारने का रहता है, तो वो भी हो जाएगा उसी में। तो मशीन कौन सा वाला अच्छा होगा आप लोग बताइएगा मुझे, वही लेंगे हम। तो अभी तो नहीं है पैसा को लिए, कोई पैसा नहीं है तो अभी तो नहीं, इसी सोच रहे उसके बारे में। अभी तो खाना भी बनाने के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं तो मशीन के बारे में नहीं सोचूंगी, क्योंकि बच्चा को खाना खिलाऊंगी कि मशीन खरीदूंगी, सब प्रॉब्लम एक ही बार मुझे आता है, सब प्रॉब्लम। लेते समय में तो सब अपना था, देने समय में सब छोड़ के भाग गया मुझे, कोई बात नहीं, जिंदा रहने के लिए तो जीना ही पड़ता है इंसान को, हम जिएंगे, जरूर जिएंगे, बच्चा है तो जी ही लूँगी। अब तो ऐसे है ना, किसी का मुँह देखने का भी नहीं मन करता है, किसी का मुँह देखने का नहीं, नहीं अपना का, नहीं पराया का, किसी का मुँह देखने का, बात करने का भी मन नहीं करता। मगर जो लोग मुझे हेल्प किया है ना, वो तो मेरे लिए भगवान ही है, मगर और किसी का मुँह देखने का मन नहीं करता। मैं अभी बीच मझेधार में पड़ी हूँ, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा, आप लोग थोड़ा मुझे मदद करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको नंबर दूँगी, उस पर कुछ मुझे देना चाहेंगे तो दे देना, मुझे बहुत तकलीफ है, दो बच्चों को भी पालना है, तो
अभी वो दोनों कमाता नहीं है ना, तो इसीलिए थोड़ा पढ़ाई है। इधर काम धंधा को तो बताई थी मैं, इधर काम धंधा ज़्यादा है नहीं उत्तर पड़ा में, दूर में है तो दूर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए तो टाइम चाहिए, टाइम होता नहीं है बच्चे को, तो अभी काम करता नहीं। मेरा बाबू है जो तो 12 पास, उस 12 का एग्ज़ाम ही दिया है, तो काम करने के लायक ही नहीं है। और शहर में तो सब कुछ खरीद के ही खाते हैं लोग, नमक भी खरीद के ही खाते हैं, चावल भी खरीद के ही खाते हैं, सबको तो खरीद के ही खाना पड़ता है। तो बंदा जब अच्छा नहीं मिलता है तो तकलीफ तो लोग को होता ही है। लेने समय में सब अपना था, देने समय में सब लेके भाग गया, मेरा सब कुछ चला गया। मेरा कोई बात नहीं, मेरा 3 बच्चा है ना, उसी के साथ जी लूँगी, जिंदगी तो जीना है ना। तो आप सब है ना, आप सब सबको साथ देते हैं, तो मुझे भी देना। ज़िंदगी जीने के लिए तो कुछ करना ही पड़ता है इंसान को, तो सोचती हूँ इधर नहीं करूँगी। हम 2-3 महीने के बाद बम्बई में जाकर के कुछ करूँगी उधर, इसीलिए इधर मैं नहीं करती। इधर रहने का तो है नहीं मुझे, तो आप लोग सपोर्ट करिए।